हम ये कह सकते हैं आसानी से पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब क्या, बिखर जाना, डिस्टॉर्ट हो जाना, ठीक है। तो भैया पोलराइजेबिलिटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, तो एनायन की टेंडेंसी कि भैया वो कितने आसानी से पोलराइज हो जा रहा है, किससे प्रोपोर्शनल होगा, ये भी प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज से। चार्ज ज्यादा तो हमको पता है कि आसानी से फैल जाता था, तो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होने वाला, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, रेडियस से ये क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडियस लिख लो, बेटर साइज लिख लेते हैं, हमने ऊपर भी साइज लिखा तो लिख लेते हैं। साइज बड़ा होगा, मोटा एनायन होगा, आसानी से पसर जाएगा, फैल जाएगा, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू द चार्ज भी होगा और प्रोपोर्शनल टू द साइज भी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तुमसे बोला किसी ने कि बताओ एफ माइनस आसानी से फैलेगा कि भैया बी आर माइनस आसानी से फैलेगा, तो तुम देख के कह सकते हो कि एफ माइनस का साइज छोटा है, बी आर का बड़ा है, तो ज्यादा आसानी से कौन फैलेगा, बी आर माइनस। ठीक है, इसी तरीके से मान लो तुमसे बोल दिया कि एस टू माइनस ज्यादा आसानी से पोलराइज होगा या सी एल माइनस, तो तुम कहोगे कि इसमें चार्ज चूंकि ज्यादा है तो पोलराइज आसानी से कौन होगा, एस टू माइनस। पहले हमेशा चार्ज देखते हैं फिर साइज देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन लोगों में पोलराइजिंग पावर क्या होगी, तो भैया पोलराइजिंग पावर ऊपर वाले में क्या होगी, तो इस तरीके से एनायन में जो है वो पोलराइजिबिलिटी कैसे होगी, तो कुछ इस तरीके से होगी। डन है क्या, आसान से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, कोई ऐसा जिसको लगता है इसमें दिक्कत है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी में दिक्कत है, हमको समझ नहीं आया। डन है क्या सबको, डन है सबको, जल्दी बताओ मुझे, कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि समझ नहीं आया अभी भी। चलिए बढ़िया, फटाफट से इसको छाप लीजिए, फटाफट से इसको छापिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। फटाफट से छापिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। अंजलि इतना लेट क्लास क्यों, एस टू माइनस वाला एक बार फिर बताओ। श्रेया, एस टू माइनस में सल्फर पे चार्ज ज्यादा होगा तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा, लिखा भी है चार्ज ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा, ठीक है ओके। बोला सलोनी,
बजांस रूल का थर्ड पॉइंट हाँ उस पर आ रहा हूं, अभी वो बताया नहीं है, अभी उस पर आऊंगा ना, वो अभी कल कहां डिस्कस किए थे अपन, उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है चलो बढ़िया। ये कौन है भाई, ओपी गेमर, कौन यहां पे गेमर आ गया, चलो ओके। तो ये हमने बात कर लिया पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी की। अब यहीं पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस चीज को ध्यान रखना है, मैं नोट बना के लिख रहा हूं, नोट बना रहा हूं, नोट बना के लिख रहा हूं, इस नोट ध्यान देना। नोट, पोलराइजिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर हायर देन others having same charge। कहता है कि अगर D block का metal है, मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए Na plus, K plus और Ag plus को arrange करो according to polarizing power, तो आप बड़े आसानी से ये बात तो कह सकते हैं कि K plus का size सबसे बड़ा है तो इसका polarizing power सबसे कम होगा, इससे ज्यादा अब Na का होगा और Ag का, इन दोनों में कंपेयर कैसे करें, साइज लगाएं, क्या लगाएं, तो कहता है कि D ब्लॉक वालों का पोलराइजिंग पावर, अगर चार्ज सेम है तो, चार्ज सेम है तो ये कभी लॉजिक मत लगाना, अगर सेम चार्ज के मेटल है तो कहता है कि D ब्लॉक वाले का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो हम यहां बड़े आसानी से कह सकते हैं कि Na प्लस और Ag प्लस में Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा क्योंकि ये D ब्लॉक का है, तो पोलराइजिंग पावर के लिए हम अरेंज करें तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सबसे अधिक पोलराइजिंग पावर हो जाएगा Ag प्लस का, फिर Na प्लस का और फिर K प्लस का। यही आपका कहता है, जो आपका फैजान्स रूल का तीसरा पॉइंट था, कहता है कि डी ब्लॉक के मेटल आ गए तो चूंकि उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, वो खींचने, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, तो उनके वजह से कोवेलेंट नेचर भी ज्यादा हो जाएगा। कब होगा ये काम, जब बराबर चार्ज वाले दो टकरा गए तो आप कह सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले का पोलराइजिंग पावर जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपसे पूछा which of the following will be most covalent, बोलता है क्या कि बताइए इनमें सबसे अधिक कोवेलेंट कौन होगा। कैसे चेक करते कोवेलेंट, याद करो कैसे, बड़ा साइज एनायन तो कोवेलेंट ज्यादा, छोटा साइज केटायन तो कोवेलेंट ज्यादा, ज्यादा चार्ज किसी पे हो चाहे केटायन चाहे एनायन तो कोवेलेंट ज्यादा। एकदम याद कर लो, बड़ा साइज एनायन, छोटा साइज केटायन और चार्ज, चार्ज चाहे एनायन चाहे केटायन किसी पे ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा। चलो ऑप्शंस में तो ऑप्शंस ध्यान देना, ऑप्शंस यहां ध्यान देना, सारा खेल ऑप्शन पे है। सबसे पहला CaCl2, सेकेंड ZnCl2, तीसरा BaCl2, चौथा SrCl2। बोलता बताओ सबसे अधिक कोवेलेंट कौन। अब तुमको दिख रहा है कि एनायन तो सब में सेम है, Cl एनायन सब में क्या है सेम, केटायन सब में अलग अलग है और केटायन पे भी सब में चार्ज सेम है, चार्ज सब में सेम है, मतलब साइज का यहां कंपेयर करना पड़ेगा, जिसका केटायन का साइज छोटा होगा उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। अब सोचना पड़ेगा किसका कोवेलेंट साइज छोटा होगा केटायन का, तो हमको दिख रहा है कि ये और ये तीनों सम ग्रुप के हैं, सबसे बड़ा कौन है भैया इसमें, तो सबसे बड़ा की जरूरत नहीं, हमको सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा होगा कैल्सियम, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि बैरियम स्ट्रोंसियम और कैल्सियम में कैल्सियम सबसे छोटा होगा। अब जो भी मामला फंसेगा ए और बी पे आके फंसेगा। अब यहीं पे आता है तुम्हारा ये नोट वाला पॉइंट, कहता है कि अगर सेम चार्ज में
अगर डी ब्लॉक वाला आ गया और एक बिना डी ब्लॉक वाले का है तो पोलराइजिंग पावर, खींचने की पावर ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, डी ब्लॉक वाले की होगी। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा डी ब्लॉक वाले की होगी तो कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, सॉरी आयनिक नहीं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें हो जाएगा? डी ब्लॉक वाले में। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। डन है क्या ये? जल्दी से मुझे बता दो किस किस को इसमें दिक्कत है, हैंड रेज करो फटाक से, अपन बात करेंगे वापस से इसमें। भैया क्या दिक्कत है इसमें? तीन चार लोगों ने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर भेजा था, लेकिन मुझे बताओ कि किसको किसको समझ नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से, एनायन सब में सेम है, एनायन से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। केटायन दिखना है हमको, केटायन में हमको दिख रहा है कि एसआर बीए और सीए तीनों एक ही ग्रुप के हैं। केटायन सबसे छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मतलब इन तीनों के हिसाब से तो सीए सबसे आगे निकल चुका है। सीए में कोवेलेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सीए और जेडन में टक्कर इस बात का है कि जेडन डी ब्लॉक का है और सीए डी ब्लॉक का नहीं है। और हम कहते हैं कि डी ब्लॉक वाले में पोलराइज करने की, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो कोवेलेंट भी ज्यादा होगा। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि नहीं भैया हमको यहां तक में समझ नहीं आया, कुछ चीज समझ में नहीं आया, जादू हो गया है? कोई ऐसा जिसको लगता है इसमें दिक्कत है, छापो फटाफट से, ठीक है हो गया तो छापो फटाफट। ओके सोनिया बढ़िया, और लोगों को भी छाप लेने दो। बढ़िया श्रेया, गुड सलोनी, गुड अंजलि। चलिए तो इस तरह से आपका फैजान्स रूल यहां पे खत्म होता है, और अब आपका एक्सरसाइज नंबर टू जो है वो होमवर्क है। तो आप एक्सरसाइज टू होमवर्क है, आप आराम से उसको प्रयास कीजिएगा, हम आराम से उसको डिस्कस कर लेंगे, पर उसको प्रयास आराम से कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? एक्सरसाइज टू आपका होमवर्क हो चुका है, डन है? चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये समझ लो कि इस चैप्टर में कोई ऐसी थ्योरी जो बहुत जगह यूज होगा, इवन ऑर्गेनिक में भी यूज होगा, वो इसी थ्योरी का एक पार्ट है, वीबीटी का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो वीबीटी का ही एक पार्ट है, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं कि वीबीटी क्या कहता है। तो वीबीटी कहता है कि दिस इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है पहले समझो, पहले इसका मतलब समझो, फिर अपन इसके बारे में लिखते चलेंगे। समझो ये क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है अपने को कि कहीं पे भी जो बॉन्ड बनता है, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, ये ध्यान देते जाना, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं और इन पॉइंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान रखना, ठीक है? चलो पहला चीज क्या कहता है, कहता है कि कहीं भी जो बॉन्ड बनता है वो बनता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कहता है कि बॉन्ड बनेगा तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तभी बॉन्ड बनेगा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। और हम कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी पढ़ रहे हैं, आयनिक तो हम पढ़ना भूल ही चुके हैं, आयनिक से हमको कोई लेना देना अब नहीं है। तो ये कहता क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। कहता है कि जो आधा भरे ऑर्बिटल्स हैं, आधा भरे मतलब एक ऑर्बिटल में भैया कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कहता है कि नहीं, अगर आपको ये बॉन्ड बनाना है तो आपको दो एटम मान लो ले लिया, ए और बी ले लिया, इसका एक ऑर्बिटल से ये आधा इलेक्ट्रॉन है, आधा मतलब हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये बी ले लिया जो हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
ये बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी क्या कहता है, कहता है कि बॉन्ड होने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप होना जरूरी है। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात यह आता है कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां नीचे ध्यान दो, ये कैसे ओवरलैप करेंगे। तो कहता है कि अगर ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ओवरलैप करना है तो देखो जैसे पी वाला जो है वो कुछ इस तरीके से करेगा, और हमको पता है पी कैसा होता है, डंबल शेप का होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है। तो कहता क्या है कि या तो प्लस प्लस वाला ओवरलैप कर जाए तो बॉन्ड बन जाएगा, या फिर अगर माइनस माइनस वाला भी ओवरलैप किया तो भी बॉन्ड बनेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि प्लस माइनस ओवरलैप कर जाए, प्लस माइनस ओवरलैप कर गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये दिया क्यों है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म्स, और यहां से बॉन्ड डजंट फॉर्म्स, बॉन्ड डजंट फॉर्म। अब ये देख के ना बड़ा भारी भरकम सा लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चन महावाहियात बहुत आसान आते हैं, थ्योरी लगता है कि पता नहीं क्या है ये, बट क्वेश्चन देखना एकदम बिल्कुल वाहियात लेवल का आता है, ठीक है। तो कहता क्या है कि अगर बॉन्ड को फॉर्म होना है तो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। किसका किसका ओवरलैप होगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है पॉजिटिव पे जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट निगेटिव पे जाएगा, तो ही बॉन्ड होगा। पॉजिटिव निगेटिव ओवरलैप होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब तो ये मान लो दो पी का बात आ गया, अगर मान लो P और S अगर ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो P और S ऐसे ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, अगर ऐसे करेंगे पॉजिटिव निगेटिव तो बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा नहीं है। तो कैसे ओवरलैप करने चाहिए, सेम तरह के चार्ज वाले। तुम ये सोचोगे कि सेम वाले में तो रिपल्सन होना चाहिए, बॉन्ड कैसे बन गया, ये तो उल्टा बात है बाबू। यहाँ पे ये चार्जेस नहीं, एक्चुअली ये क्या है, वेव फंक्शन है। मैथ्स वाले समझते हैं फंक्शन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं भी समझो परेशान नहीं हो, ये फंक्शन है, तो इसको चार्ज जैसा ट्रीट मत करना, ये चार्ज जैसी कहानी नहीं है, ये फंक्शन है, और फंक्शन को ना ऐसे प्लस माइनस का चार्ज जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, ठीक है। चलो तो क्या कहता है कि प्लस प्लस अगर चढ़ा तो बॉन्ड बनेगा, प्लस माइनस चढ़ेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ये तो कहानी मान लो दो पी के लिए हो गई, ये पी और एस के लिए हो गया। अगर मान लो ये कहता है कि अगर आपको ऐसे भी चढ़ाओगे, साइड से भी चढ़ाओगे, ऐसे भी चढ़ाओगे ऐसे, तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस वाले पे आना चाहिए और माइनस माइनस वाले पे आना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई कहेगा कि चलो पी को ऐसे चढ़ाए बन गया, पी और एस को ऐसे चढ़ाए तो भी समझ में आया बन गया, पी और पी को ऐसे चढ़ाए तो भी समझ में आया कि बन गया, पी और पी को ऐसे चढ़ाए तो नहीं बना ये भी समझ में आ गया। अच्छा पी मान लो ऐसे है और एस ऐसे, इसको ऐसे चढ़ाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं। तो कहता क्या है कि अगर आपने वो अपन अगले वाले में देखेंगे कि अगर पी आपका ऐसे और एस ऐसे बगल से आगे चढ़ेगा तो इस केस में भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमको क्या याद रखना है, हमको ये स्ट्रक्चर याद रखना है किसमें होता है और किसमें नहीं होता। पी पी ऐसे डन, पी ऐसे, ये पी ऐसे है और यहां पे दूसरा वाला पी उल्टा होके आ गया, मतलब माइनस प्लस आ गया, नहीं होगा, डन। पी ऐसे, एस ऐसे बगल से आएगा, नहीं होगा, पी ऐसे, एस सीधे आएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, जहां ओवरलैप करेगा वो प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। देखो सारी जगह ये एरिया ओवरलैप का है, 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 यहाँ ये एरिया कौन सा है, ओवरलैप का, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना, प्लस प्लस अगर ये दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, माइनस माइनस मिलेगा तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लस माइनस मिलेगा तो यह बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। ये बनेगा यहां बनने वाला नहीं है, तो आप सर्कल नहीं कीजिए, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा प्लस प्लस डन, माइनस माइनस डन, ये याद रखना, इसको फील अगर नहीं भी याद नहीं है, याद रखो कि हम कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज और भी पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है ये तो हमको समझ में आएगा कि ओवरलैप से बनेगा, लेकिन ये बताओ कि क्या एरिया ऑफ ओवरलैप का कोई लेना देना है, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या कहता है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ, कितना ताकतवर बॉन्ड होगा, कितना मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो बोलता क्या कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ओवरलैप्ड, एरिया ओवरलैप्ड। बोलता क्या कि जितना ज्यादा एरिया का ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, खूब ताकतवर बॉन्ड होगा। जितना कम एरिया होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये थ्योरी सुन के मतलब फील लेने में दिक्कत होता है, वैसे क्वेश्चन देखना बहुत आसान होते हैं। तो अभी क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझना जरूरी है। लिखते चलो, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा अभी, बट लिखते चलो, बड़े आसान है यार, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स लिखो, फिर नीचे वाली चीज लिखना है। बाकी मैं थोड़ा डाउट्स देखता हूँ कि किसके किसके क्या डाउट है। प्लस प्लस रिपल्सिव नहीं होगा अंजलि, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये चार्जेस नहीं है, दीज आर वर्क फंक्शन, ऐसे समझ ले। मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखो ये वेव फंक्शन है। अगर प्लस दूसरा आया तो ऊपर वाला इस प्लस, नीचे वाला इस माइनस। दूसरा अगर ऊपर में ही आएगा तभी तो ये एरिया बड़ा होगा ना। अगर मान लो कि दूसरा वाला इसी जगह पे नीचे आ गया तो एरिया कम हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि भैया प्लस प्लस या माइनस माइनस जुड़ेगा तो एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा होगा। डन है, छापो। तो पहले ऊपर वाला पॉइंट को छापो। सर टेबल भी नोट करना है, पहले ऊपर वाला छापना फिर टेबल छापना है, तो पहले ऊपर वाला छापो, फिर मैं बताऊंगा टेबल छापने के लिए। टेबल भी छापना है लेकिन पहले ऊपर वाला छापो, मैं टेबल थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैं टेबल छोटा करता हूं इसको थोड़ा सा, अब तुमको लिखने में आराम रहेगा। हाँ ठीक है, लिखो। ये करता है सपोर्ट और ये करता है अपोज। ठीक है, छापो फटाफट। अरे अमन तुम्हारा दोस्त का है, अच्छा पंकज है, दिख नहीं रहा था मेरे को, बताया दोस्त का है, राहुल का है, बहुत लोग गायब दिख रहे, राहुल गायब दिख रहा है, उसके बाद खुशी तेरी दोस्त भी मुझे नहीं दिख रही है। इरफान नहीं दिख रहा मेरे को, इरफान है, इरफान भी गायब दिख रहा है, राजन भी गायब दिख रहा है, पंकज को मालूम है राहुल के बारे में। अरे पंकज कहाँ है दोस्त तुम्हारा, गायब है। टेबल बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल टेबल बनाना है बेटा। राजन का नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा ये एक अलग ही समस्या है यार। लिखते चलो, लिखते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुशी बहुत अच्छा है, क्या ही है, क्लास होते रहेगा। ओके सोनिया, ठीक है, Thank you.
छाप लिया सबने? चलो सबने छाप लिया क्या? कोई छाप रहा है अभी भी? अच्छा छापो छापो भाई छापो, कोई बात नहीं छापो। इरफान कहाँ चला गया था? अभी आ रहा क्लास। और वसीम तुम कल क्लास में नहीं थे। पंकज कह रहा है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एरिया ज्यादा कब है कम कब है? बिल्कुल पंकज बात करेंगे अपन इस पे, पर मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर बड़ा साइज का ऑर्बिटल होगा तो एरिया भी बड़ा होगा ओवरलैप का, छोटे साइज का ऑर्बिटल होगा तो एरिया भी क्या होगा? छोटा होगा। डन है? मतलब 3p का एरिया ज्यादा है तो ओवरलैप भी ज्यादा, 2p का एरिया छोटा है तो ओवरलैप भी छोटा। डन है पंकज? ठीक है। चलो बढ़िया। चलो ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट। अब देखो ओवरलैप यही जो अभी बात कर रहे थे अपन, उसका दूसरा थोड़ा देखते। देखो अगर इस तरह से ओवरलैप हुआ तो भैया ये कंसिडरेबल नहीं है, अगर ऐसे और ऐसे आया तो ये ओवरलैप कंसिडरेबल नहीं है। तो यहां पे इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैप, क्योंकि यहां ओरिएंटेशन अलग है। उसी तरह से मान लो एक ऐसे और एक ऐसे आ गया, ऐसे समझो एक पी ऐसे और एक पी ऐसे है, तो ये भी कंसिडरेबल नहीं है। ओवरलैप होना हो तो या तो दोनों ऐसे हो या तो दोनों ऐसे हो, एक ऐसे और एक ऐसे होगा तो भी ओवरलैप नहीं होगा। कोई पूछ सकता है कि डी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, पी और एसी बात कर रहे हैं, डी के बारे में हम ये डिस्कशन करते ही नहीं है, डी के बारे में ये चीजें जो है वैलिड ही नहीं है। तो इसके भी लिमिटेशन से बात करेंगे आगे, लेकिन ये किसके किसके में वैलिड है? जब एस और पी के लिए भी राइट नाउ बात कर रहे हैं, डी में ये नॉर्मल वैलिड नहीं होता। ठीक है चलो छापो फटाफट से, फिर मैं नोट पे बताऊंगा कि नोट की कहानी क्या है। छापो फटाफट से। दोनों को छापो फिर मैं नोट बता रहा हूं नोट क्या है। छाप लेने के बाद नोट भी लिख लेना, मैं समझा दूंगा, नोट लिख लो साथ साथ।
वो अलग चीज नहीं है, जो मैंने बताया वही है, बट लिख लो मैं फिर बताता हूँ क्या है। क्लियर हो गया? नोट भी लिख लो। हाँ नोट लिख लो मंतुषा, फिर मैं समझा रहा हूँ क्या है, लिख लो। ये सब कहानी है, क्वेश्चन इससे नहीं आता, क्वेश्चन जहां आएगा हम बात करेंगे, पर ये कहानी है, पढ़ना है थियरी इसलिए बताता हूँ। क्वेश्चन जो मेन पार्ट है वो अलग ही है। चलो अब ये नोट क्या कहता है, ध्यान से सुनो। नोट कहता है कि भैया जो अपने पास सेम साइन वाले ओवरलैप करेंगे तो ही हम उसको पॉजिटिव ओवरलैप मानेंगे और वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हम बात नहीं कर लिए क्या, हम पहले ही लिख चुके हैं इस चीज को। दूसरी चीज कहता क्या कि ये थियरी बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाता है होमो न्यूक्लियर या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को। होमो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जब जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, निगेटिव से निगेटिव जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, हमको ऑलरेडी पता है। पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड होमो न्यूक्लियर में बनता है, होमो न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, दोनों एटम सेम रखा, ओ टू एन टू एच टू, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बड़े आसानी से ये एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, करो इसको फटाफट से। करो इसको फिर मैं बता रहा हूं कैसे बताता है ये। छाप लिया सबने, डन है क्या? अब एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखना जो मैं अभी बताने वाला हूं ध्यान से, ठीक है, इसका थ्योरी ध्यान से देखना, ये थ्योरी हो गया, अभी एक्चुअली बॉन्ड में कैसे लगाई अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहना। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत थ्योरी देख लिए, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये क्या कहता है। मान लो मुझे बोला एग्जाम्पल O2 में समझाओ कि VBT कैसे लगेगा O2 में, और कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप किए होंगे तब जाके O2 बना होगा। बोला O2 के बारे में बताओ ये कैसे बना है, होमो न्यूक्लियर है, दोनों न्यूक्लियर सेम है। चलो पहले दोनों ऑक्सीजन का हम पहले लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमको बड़े अच्छे से पता है कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p कितना हो गया, 4 और दो छह, हाँ तो ठीक है, इसका 1s2 2s2 2p4 हो गया।
अब मैं इन दोनों के लिए क्या करने वाला हूं, ऐसे ऑर्बिटल बनाने वाला हूं, एक डब्बा दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक डब्बा चार इलेक्ट्रॉन डालना है, तो एक दो तीन चार डाल दिया, इसमें भी सेम कहानी, नीचे वाले में भी, इसके लिए एक डब्बा दो इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा एक दो तीन चार। अब वीबीटी क्या कहता है, ध्यान से सुनो वीबीटी क्या कहता है, देखो यहीं पे तुम फीलिंग ले सकते हो, अगर चाहो तो यहीं पे थोड़ा फीलिंग मिल जाएगा, ध्यान से देखो। मान लो कि ये जो तीनों पी वाले, देखो ये तो क्या है, फुल्ली फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड है, ये भी फुल्ली फील्ड है। क्या कहता है वीबीटी, जो हाफ फील्ड है वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, जो फुल फील्ड है उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं करने वाले, मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाने जाएंगे और ये दोनों बॉन्ड बनाने जाएंगे, बाकी सब बैठ के झाल बजाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं इनका नाम दे देता हूं, मान लो कि ये वाला जो पी है, ये मान लो मेरा पी वाई है, ये पी जेड है, पता है एक्स वाई जेड होते थे, ये भी मान लो पी वाई और ये भी मान लो कि पी जेड है, तुम एक्स वाई भी मान सकते हो, मना नहीं है, हमको पता है एक्स वाई जेड होते हैं, तो इसको मैंने एक्स माना इसलिए इसको वाई और इसको जेड लिख लिया, इसको वाई और जेड लिख लिया, लिख लिया। अब क्या होगा, तो चलो जो जो खाली वाले हैं हाफ फील्ड है उनको मैं थोड़ा बगल में बना देता हूं, ये कैसे बनेंगे भैया देखो, तो मैं साइड में बनाता हूं, तो मान लो कि मेरे पास ऐसे एक्सिस है, ऊपर साइड है वाई एक्सिस और ये ऐसे है वाई और ऐसे है जेड, तो मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं ना, ये अब मेरा पी वाई है और ये मेरा पी जेड है, डन है, ये कौन सा पी वाई और ये कौन सा है पी जेड, ठीक है। नीचे वाले का ही बना रहा हूं, ये मेरे पास हो गया पी वाई और ये मेरे पास हो गया पी जेड। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कहता है, ध्यान से सुनना, कहता है कि या तो ऐसे ओवरलैप होगा या तो ऐसे ओवरलैप होगा। अब तुम एक चीज सोच के देखना, लॉजिक लगाना, एकदम आराम से सोचना, मैं इन दोनों को कंबाइंड ऐसे बना लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को बना लूं कंबाइंड। अब एक चीज तुम सोचोगे तो तुमको यह समझ आएगा कि यार अगर इन दोनों को मैं चाहता हूं ओवरलैप कराना, तो अगर एक ऐसे होगा तो मजबूरी है कि दूसरे को ऐसे ओवरलैप करना पड़ेगा, तो अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कराऊंगा तो देखो कुछ कहानी ऐसे नहीं बनेगा। देखो ध्यान से देखो, मैं ये ऊपर वाला बना ले रहा हूं, ब्लू वाला से ऊपर वाला बना रहा हूं और रेड वाला लेके आ रहा हूं जिससे नीचे वाला बनाऊंगा, ठीक, ये रेड वाला बनाऊंगा इससे, तो ये रेड वाला कुछ ऐसे जाएगा ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया साइड से और इसके साथ कर गया डायरेक्ट, ठीक है। ये नीचे वाला ऑक्सीजन का एक्स वाई, ये नीचे वाला ऑक्सीजन का ये कौन सा है जेड और ये कौन सा है वाई, ये ऊपर वाले का वाई, ये ऊपर वाले का जेड, तो हमको क्या दिख रहा है कि एक ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो एक ऐसे ओवरलैप कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है तो एक ऐसे कर रहा है, दो ऐसे नहीं कर सकते। तुम ये बोल सकते हो कि क्यों नहीं हम इन दोनों को ओवरलैप करा दे, हम ऐसा क्यों नहीं किए कि इन दोनों को सीधा सीधा करा देते, तो इन दोनों को ऐसे साइड से होना पड़ता, चलो करा देते, मना नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन मेरा कहना है कि एक अगर ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे तुम किसी को ऐसे करा लो किसी को ऐसे करा लो, वो तुम्हारी चॉइस हो सकती है। तो O2 कैसे बना, तो O2 ऐसे ही बना, कहता है कि एक PZ PZ ऐसे ओवरलैप कर गया और PY PY ऐसे ओवरलैप कर गया, नाम तुम बदल सकते हो, तो PZ PZ ऐसे और PY PY ऐसे, इनके ओवरलैप के वजह से बॉन्ड बना। अब ये जो बॉन्ड बना एक अलग बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना एक अलग बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड बन गए, दो बॉन्ड बन गए, क्योंकि दो बार ओवरलैप हुआ है। अब कोई कहेगा कि ऐसे ओवरलैप किया तो दो जगह किया ऊपर और नीचे, नहीं, काउंट एक ही बार होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो दोनों ओवरलैप किए साइड से ऐसे, एक वो फॉर्मेशन हो गया और एक सामने सामने ओवरलैप किए वो फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पे दो बॉन्ड बनके तैयार है। मुझे ये बता दो कि किसको किसको ये दो बॉन्ड जो ओवरलैप है वो समझ ही नहीं आया कि दो बॉन्ड का ओवरलैप कैसे है, जो हाफ फिल्ड थे उनके, जल्दी से मुझे बता दो कि भैया ये समझ ही नहीं आया, ये क्या है, ये कौन सा जादू है, पता ही नहीं चल रहा आपने कि ये ऐसे और ये ऐसे कैसे हो गया। मैं समझ रहा हूं थोड़ा इमेजिनेशन टफ है, आई अग्री, लेकिन थोड़ा सोचोगे ना तो समझ में आएगा, मजेदार है एक्चुअली, डन है। चलो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनो, सिमरन मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपर वाले में एक ऐसे पी है
एक ऐसे पी है, नीचे वाले में भी एक ऐसे पी है, एक ऐसे पी है जो हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड हमको मतलब नहीं है। अब क्या कहता है, ऊपर वाले का ऐसे और ऐसे, नीचे वाले का भी ऐसे और ऐसे, हो गया। अब यहां ध्यान दो, फिर से मैं समझा रहा हूं, ऊपर वाले का ये, नीचे वाले का ये, ऊपर वाले का ये, नीचे वाले का ये, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मन कर तो इसमें इलेक्ट्रॉन बना लो, डन। अभी ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों को कंबाइंड बना लिया यहां पे, इन दोनों को कंबाइंड बना लिया यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला जो है पीजेड है और इसका जो पीजेड है इसको ऐसे ओवरलैप करा ले रहा हूं, ऐसे जो यहां करा लिया इसी एक्सिस पे। अब इस पे जैसे ही इन दोनों को ओवरलैप कराया तो क्या ये दो भी जो है वो कभी ऐसे ओवरलैप कर पाएंगे, भैया हमको पता है परपेंडिकुलर है, अगर ये और ये सीधा सीधा ओवरलैप कर गया तो ये और ये अब सीधा सीधा ओवरलैप नहीं कर सकते, तो इनकी मजबूरी है वो कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे। तो हमको पता है पॉसिबिलिटी तो है ही, साइड से भी पी ओवरलैप कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, Y वाले को साइड से ओवरलैप करा दिया और Z वाले को सीधे सीधे ओवरलैप करा दिया, अपना काम बन गया, ठीक है। तो अब दो बार ओवरलैप हुआ, चूंकि एक ये ओवरलैप हुआ और एक ये ओवरलैप हुआ, ये दोनों एक ही काउंट होगा, तो दो ओवरलैप हुआ, तो हमने कहा कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बने। अब ये जो ओवरलैप्स है, इन ओवरलैप्स की वजह से देखो दो तरह की बॉन्डिंग डिफाइन की जाती है, वो दो तरह की बॉन्डिंग क्या है, अब यहीं से आपको चीजें याद रखनी है। क्या कहता है, सो कहता है कि भैया जो आपने ये सीधा सीधा ओवरलैप ऐसे करा है ना, वो जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड विल बी नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा, नाम याद रखो, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। और जो आपने ऐसे ओवरलैप कराया साइड से, इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे अब से पाई बॉन्ड। तो दो नाम यहां से आ गया, क्या क्या आया, ऐसे वाला सिग्मा और ऐसे वाला पाई, ऐसे वाला पाई, ऐसे वाला सिग्मा, सीधा सीधा सिग्मा, ऐसे साइड से पाई, जा रहे ऐसे टकरा गए किसी से, किसी से जाके टकरा गए, तो साइड साइड से टकराए तो क्या बनेगा, पाई, यही याद रखना है। और सामने सामने जाकर सिंह भिड़ा दिए, जैसे दो भैंस आए दौड़ के आए, सिंह भिड़ा दिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा, ऐसे याद रखो एकदम सीधे सीधे, सिंह भिड़ गया तो सिग्मा, साइड से भिड़ गए तो पाई। पाई भी ऐसे क्या होता है, दो खड़े लाइन होते हैं साइड से ऐसे चिपके होते हैं, हमको यही ध्यान रखना है, पाई कैसे बना, साइड से, सिग्मा कैसे बना, सीधे सीधे, डन है क्या। तो यही आपके पास कहानी है बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब सिग्मा पाई भी हम लिखेंगे डिटेल्स में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी, पर ये है O2 का बॉन्ड फॉर्मेशन। छापो, मुझे पता है कि थोड़ा लगेगा अभी, पता नहीं क्या जादू है, क्या बकवास सी चीज है, पर इसके क्वेश्चन देखना महाबेकार होते हैं, महाबेकार होते हैं। लिखो, बात करते चलेंगे, लिखो। थोड़ा इसमें है आई अग्री कि मतलब थोड़ा सा फीलिंग कम आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, सब कुछ फीलिंग नहीं लेना है, कुछ पढ़ना भी है, फीलिंग से ही सब नहीं होता, थोड़ा इमेजिनेशन खुद भी करना पड़ता है। P4S8 आरजू P4 अलग बनता है, उसका इससे कोई लेना देना मतलब है, लेकिन ऐसे नहीं है, वो कुछ अलग है, चार पी मॉलिक, चार पी एटम है, यहां तो दो ही एटम है ना, वो चार है, ठीक है। डन है क्या, चलिए अब नेक्स्ट अपन आते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पे, ऐसा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या है, और जरा अपन इसको लिख भी लेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आगे फिर आपको समझा दूंगा, बट यहां ध्यान दीजिए, पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर आपको आगे पॉइंट समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स बॉन्ड्स दो तरह के हैं, कौन कौन सा, सिग्मा है और दूसरा पाई है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये याद रखना कि यही नहीं किसी भी चैप्टर में आता है ये,
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या है? डायरेक्ट ओवरलैप, डायरेक्ट ओवरलैप। ठीक है, देखो इसके ज्योमेट्री जो है ना, ये आपको आगे मिल जाएगा, इसे बना नहीं रहा, देखो यहां मिल जाएगा ये सिग्मा और पाई का, तो ये बना दे ये, इसलिए मैं यहां नहीं बना रहा। ठीक है, डायरेक्ट ओवरलैप, इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप। साइड से टकराया तो पाई, सीधे से टकरा गया तो सिग्मा। नेक्स्ट, ये हमेशा स्ट्रांग होता है, ये वीक होता है। ये दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। सीधा सीधा कितना हो सकता है? एक। साइड से कितना हो सकता है? मान लो सीधा एक हो गया, साइड से ये भी हो सकता है, 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 लेकिन सीधा सीधा कौन सा होगा? एक ही एक्सिस सीधा टकरा सकता है। तो सिग्मा जो होता है वो दो एटम के बीच में सिर्फ एक हो सकता है। नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लेना, यही होता है। ठीक है, ओनली वन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में। ये नहीं बोला कि एक एटम एक ही सिग्मा बनाएगा, नहीं, दो एटम के बीच में कितना ही बॉन्ड हो उसमें सिग्मा कितना होगा? सिर्फ एक, बिटवीन टू एटम्स टू और थ्री, सॉरी वन और टू, बिटवीन टू एटम्स। बोलता क्या कि पाई जो है वो दो एटम के बीच में एक या दो हो सकता है, लेकिन सिग्मा जो होगा सिर्फ एक होगा। इन सिंगल बॉन्ड चाहिए, इसको मैं ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, वन सिग्मा इज कंपल्सरी बिटवीन टू एटम्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब इसका मतलब समझो क्या है। कहता है कि किसी भी दो एटम के बीच में जितने ही बॉन्ड बने उसमें ये कंफर्म है कि उसमें एक सिग्मा होगा, ये कंफर्म है। चाहे एक बॉन्ड बनता हो, दो बॉन्ड बनता हो, तीन बॉन्ड बनता हो, उसमें एक ही सिग्मा होगा, ये कंफर्म है। बाकी अगर और भी बॉन्ड बने हैं, मान लो दो बॉन्ड बना तो उसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा जो है वो पाई होगा। मान लो तीन बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। तो यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहा हूं, यहां ध्यान देना कि अगर ए और ए के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये कौन सा होगा? सिग्मा। अगर ए और ए के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। तुम ये नहीं बता सकते कि कौन सिग्मा कौन पाई, किसी एक को मान लो सिग्मा, किसी एक को मान लो पाई। और अगर मान लो कि ए और ए के बीच में अगर तीन बॉन्ड है तो तुम यहां कंफर्म एक बात बता सकते हो कि एक सिग्मा और जो दो होंगे वो क्या होंगे? पाई होंगे। यही आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन आता है, बोलता है कोई मॉलिक्यूल दे गए, बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। ठीक है, तो याद रखो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, दो बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई, काम खत्म। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल मैं तुमको करवा के दे दूंगा, तो रुक जाओ अभी, पहले एग्जाम्पल देख लो फिर इसको आराम से लिखेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को पहले देखो, देखो इस एग्जाम्पल को, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई आर हियर। बोलता बताओ यहां पे कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। ध्यान देना यहां पे, मुझे जल्दी से बताओ यहां पे कितने सिग्मा कितने पाई, फटाफट से, यही क्वेश्चन आता है और ज्यादा माथापेची की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई। अंजलि बहुत अच्छे, वेरी गुड। आरजू बहुत अच्छा, नाइस। अर्पिता बहुत बढ़िया, यही से मेन क्वेश्चन बनना, बाकी और कोई हिड़क ही नहीं है। सिमरन बहुत अच्छा, अर्पिता बहुत अच्छा, अंजलि बहुत अच्छा, वेरी गुड। सलोनी बहुत बढ़िया।
सीख गए, काम खत्म, ये पूरी कहानी बस यही थी। सिमरन बढ़िया, चलो। तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है क्या ये भी फर्जी सा क्वेश्चन है। देखो यार ध्यान दो, दो आइटम के बीच में एक सिग्मा, बाकी जो भी होगा वो पाई होगा, ठीक है। तो दो आइटम के बीच में ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, एक दो तीन चार पांच छ, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, छ हो गया। पाई कितना हो गया अपने पास, दो पाई हो गया, काम खत्म। कितने ऐसे हैं जिसको ये समझ नहीं आया, मुझे जल्दी बता दो कि भैया हमको सिग्मा और पाई काउंट करने नहीं आया, जादू हो गया, हैंड रेज करो फटाक से। हमसे सिग्मा पाई काउंट नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको जादू हो गया है। डन है, यही इंपॉर्टेंट था, बाकी और माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आराम से नोट डाउन करो, मैं पीछे कर दे रहा हूं, करो इसको नोट डाउन, करो नोट डाउन करो आराम से। सर कभी बचपन में पढ़े थे, अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे वाह अर्जुन क्या बात है, बचपन में पढ़े थे ये सिग्मा पाई, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अगर इतना तुम कर दो तो फिर मेरा तो बहुत सारा कष्ट निवारण हो जाए। नोट कर लिए, डन, ठीक है ठीक है, नोट कर लें दो, सारे को नोट कर लें दो। अरे वाह अर्जु बोला है कि यही पढ़े थे, बिल्कुल अर्जु वही होता है, और अच्छे इतना ही जरूरत थी, और कोई ज्यादा खास जरूरत है नहीं, उतना पढ़े थे ना, बढ़िया। नोट हो गया सबने, कोई अभी भी नोट कर रहा है क्या, कोई ऐसा जो अभी भी नोट कर रहा है, अरे क्लियर है तुम्हारे, करो विनीता करो, अरिजीत तेरे क्लियर है, जल्दी बता मुझे, सिद्धार्थ तेरे समझ में आया, कहा है सिद्धार्थ, है कि नहीं, गायब हो गया है, कैसी है तेरी तबीयत, कैसी है, ओके ओके अर्पिता, ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब यही चीज है, देखो सिग्मा और पाई कब बनता है, ऐसे ओवरलैप किया, ऐसे ओवरलैप किया सिग्मा, ऐसे ओवरलैप किया सिग्मा, ऐसे ओवरलैप किया तो पाई, तो किसके किसके ओवरलैप से सिग्मा, किसके किसके ओवरलैप से पाई, फटाफट से छापो। एस के वजह से कभी सिग्मा पाई नहीं बनता, ये याद रखना, एस के ओवरलैप से कभी पाई नहीं बनता, एस के ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बनता है। लैटरल एस में गोले में लैटरल क्या होगा, लैटरल और सीधा बात बराबर है, ठीक है।
हो गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को छापो और बाकी इस एग्जाम्पल के साथ आज की सभा समाप्त है। तो जो जो छापते जाओगे कोई बात नहीं, वो क्लास से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लो और क्लास से जा सकते हो, छाप के क्लास लीव कर सकते हो। प्रीवियस स्लाइड, अच्छा कर दे रहा हूं, कर दे रहा हूं, कर दे रहा हूं, छापो। छाप लिया? कोई है जो अभी भी छाप रहा है? चलो बढ़िया। चलो छाप लोगे तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, छाप के जा सकते हो। हाँ जिल्ली बोलो। कैसा चल रहा है तेरा तैयारी, ये बता मेरे को। पूछ रहा हूं ऐसे ही। फिजिक्स कैसा चल रहा है? क्यों, ऐसा क्या हो गया, फिजिक्स हार्ड कैसे हो गया? चलो ठीक है, मैं ऑडियो ऑन करने का थोड़ा परमिशन दे रहा हूँ। छाप लिया क्या? हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए परमिशन दे रहा हूँ। आरजी रुक जाओ, थोड़ा बात करना है अपने को। हाँ बोलो आरजू, आरजू ऑडियो ऑन कर, परमिशन दिया हूं मैंने। क्या हो रहा है फिजिक्स में, क्या दिक्कत, क्या हार्ड जा रहा है?